KGF चैप्टर 2 मूवी से अधीरा की आर्मी में से एक ये बंदा इसने ये नोज रिंग पहनी है। ऐसा ही सिमिलर नोज रिंग हमने सालार के ट्रेलर में भी देखा है। राजा मन्नार और उनके लोगों ने भी यही सेम नोज रिंग पहनी हुई थी। तो क्या इसका मतलब अधीरा की आर्मी का ये बंदा खानसार की एक ट्राइब का हिस्सा रह चुका है? और इसी के साथ एक और सबसे बड़ा सवाल अभी इस मूवी से रिलेटेड ये चल रहा है कि क्या सालार मूवी उग्रम का एक रीमेक है, जिसके लिए मैंने पर्सनली उग्रम मूवी को दोबारा देखा एंड कुछ चीजें नोटिस करी जिसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या तुम्हें रॉकी रॉकी का साउंड सुनाई दे रहा है? इसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है वी एंड यू आर वाचिंग सिनेमा विद वी। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बंदे की जिसको कि हमने KGF चैप्टर 2 में देखा था अधीरा की साइड से लड़ते हुए। तो इस कैरेक्टर ने एक नोज रिंग पहन रखा है एंड सालार के ट्रेलर से हमें ये पता चल चुका है कि खानसार में मौजूद तीन ट्राइब्स में से एक ट्राइब का ये एक सिंबॉलिक ज्वेल है, जहां इसके क्लैन के मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो इस नोज रिंग को पहनते हैं क्योंकि इनके एंसेस्टर से ये रिचुअल्स कह सकते हैं वो चली आ रही है। अब इस ट्रेलर में हमें तीन ट्राइब्स दिखाई गई हैं जो कि खानसार को रूल करती हैं और ये तीनों मिलकर रूल करते हैं इस पूरे एरिया को, इस पूरे एम्पायर को। एंड इनकी जो लोर है हजारों सालों से चली आ रही है और ऐसा आजकल से नहीं हुआ है। इनके पूर्वज ऑलमोस्ट हजारों सालों से इस जगह पे रह रहे हैं और इस जगह को, इस पूरे फॉरेस्ट को एक एम्पायर में बदल दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं खानसार एम्पायर। एंड इन तीनों ट्राइब्स को इन तीन स्टैचू से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिले थे, जहां मैंने पहले वीडियो में थ्योरी दी थी कि शायद ये इजिप्शियन गॉड्स हो सकते हैं। अब आई थिंक ये इजिप्शियन गॉड्स नहीं है बल्कि ये उन्हीं तीन ट्राइब का सिंबॉलिक रेफरेंस है, जो कि हिंट दे रहा है कि ये तीन ट्राइब्स हैं एक्चुअली में जो खानसार पे रूल करती हैं, जिसमें से ये बीच वाला स्टैचू इस ट्राइब को बिलोंग करता है जो कि हमने ट्रेलर के इस शॉट में देखा। एंड इसी ट्राइब को करंट के टाइम में राजा मन्नार लीड कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि उनका बेटा वर्धा अब उस ट्राइब का लीडर बने। एंड एक्चुअली में यही वो ट्राइब है जो सबसे पावरफुल है एंड मोस्ट प्रोबेबली तीनों ट्राइब्स में से यही ट्राइब वो है जो रूल कर रही है खानसार को। अब इस ट्राइब का एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक रेफरेंस ये है कि इस ट्राइब के ऑलमोस्ट सारे लोग नोज में रिंग पहनते हैं एंड ऐसी ही एक रिंग हम इस बीच वाले स्टैचू में देख सकते हैं, जहां इस स्टैचू ने भी एक नोज रिंग पहन रखी है। एंड यही नोज रिंग हमें KGF चैप्टर 2 के इस कैरेक्टर में भी देखने को मिलती है, प्रोबेबली जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद इस वाले कैरेक्टर का बचपन खानसार में गुजरा हो, ये खानसार की इस ट्राइब से बिलोंग तो करता हो लेकिन बाद में अधीरा की गैंग में इसने ज्वाइन कर ली हो। और अगर ऐसा होता है तो ये फिर KGF और सालार के कनेक्शन को लेके एक बहुत प्रोमिनेंट और ऑब्वियस हिंट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, हम फैंस ने कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में ये थ्योरी बना दी और डायरेक्टर्स ने शायद इस बारे में कुछ सोचा नहीं और बस ऐसे ही डाल दिया था। अब इस ट्राइब के अलावा दो और ट्राइब्स ऐसी हैं जो खानसार में रहती हैं, जिनमें से एक ट्राइब को सिग्निफाई करता है ये वाला स्टैचू जिसका हेड जो है एक फॉक्स का है। एंड इस क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो शायद एक लॉकेट या फिर पेंडेंट पहनते हैं एंड हमने ट्रेलर में देखा है कि इस बंदे ने वो लॉकेट पहन रखा है, तो मतलब ये वही फॉक्स वाले क्लैन का बंदा है। एंड इसकी बातें भी अगर तुम ध्यान दो तो फॉक्स यानी कि लोमड़ी वाले ही हैं, चालबाजी करने पे लगा हुआ है, मतलब वर्धा को धोखे से मारने का आइडिया यही प्रपोज करता है। इसके अलावा ये लास्ट हॉक वाला स्टैचू एक तीसरे ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है जिसको मोस्ट प्रोबेबली ये लेडी जो है वो लीड करती हैं। और ट्रेलर में हमें इन बाकी की दो ट्राइब्स का नाम भी बता जाता है आगे, जो कि है नारंग और गुरुंग। अब इसके बाद मेरे प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ट्रेलर के एक स्पेसिफिक टाइम पे रॉकी रॉकी की चीयरिंग सुनाई देती है। अब मैंने जब जाके ट्रेलर में सुना तो ये थोड़ा बहुत ऑब्वियस तो लगता है एंड इट साउंड्स कि भाई वहां पे लोग रॉकी रॉकी चिल्ला रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हिंट डायरेक्टर या एडिटर मूवी का डाल देगा इतना क्लियरली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा और ऐसी चीजें यूजुअली एडिटिंग में की नहीं जाती। इसके बाद बात करें इस मूवी से रिलेटेड सबसे बड़े कंट्रोवर्सी या फिर कह सकते हो सबसे बड़े सवाल की कि क्या सालार मूवी उग्रम का रीमेक है। तो अब इसी बात के चलते मैंने सोचा इसको वीडियो में कवर किया जाए और उसी वजह से मैंने ये पूरी मूवी दोबारा देखी एंड देखने के बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई कुछ सिमिलैरिटीज तो जरूर है मूवी के अंदर, लेकिन क्या सालार सच में उग्रम मूवी का रीमेक होने वाली है? तो एक्चुअली में उग्रम मूवी में भी प्रशांत नील ने ही काम किया था एंड इस मूवी के अंदर अपने दो कैरेक्टर्स रहते हैं, अगस्त्या जो अपना मेन हीरो है एंड उसका एक दोस्त बाला। तो एक्चुअली में मूवी के अंदर अगस्त्या के हाथों बाला के भाई की डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो है अगस्त्या वो बाला को छोड़ के उसकी गैंग को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाता है और वहां पे मैकेनिक का काम करता है। एंड वैसे ही कुछ हमें स्टोरी सालार का ट्रेलर भी बता रहा है, जहां दो कैरेक्टर्स हैं, आपस में बहुत घनी दोस्ती है दोनों की,
देवा और वर्धा। अब ट्रेलर में यह भी दिखाया गया कि देवा जो है वो छोड़ के चला जाता है वर्धा को किसी कारण की वजह से, और शायद आगे जाके वो मैकेनिक ही बनता है, क्योंकि इस शॉट के अंदर हम प्रभास के वेस्ट पर यानी कि उसके कमर पर एक टूल किट बेल्ट देख सकते हैं। तो इस चीज से यह भी साफ हो जाता है कि शायद इस मूवी में प्रभास जो है वो मैकेनिक ही हो अपने प्रोफेशन से, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो सीन है वो मूवी में प्रभास का इंट्रो सीक्वेंस में से होगा। तो सिमिलैरिटीज तो है दोनों मूवी में, और इसी वजह से मूवी को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, एंड लोग इसे बोल रहे हैं कि ये उग्र मूवी है, बस इसको हाई बजट में बनाया जा रहा है और VFX और CGI के साथ। पर पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो सिमिलैरिटीज जरूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी सिमिलर चीजें एक दूसरे से कॉपी हो या फिर उसका रीमेक हो, क्योंकि इस प्लॉट के साथ इससे पहले भी 150 मूवी आई होंगी और इस मूवी के बाद भी 150 मूवी आई होगी, लेकिन उन सबको तुम उग्रम का रीमेक या कॉपी तो नहीं बोल सकते ना। वो लेबल देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हो सकता है कि स्टोरी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सिमिलर हो। अब खानसार के अंदर 3 ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनका बहुत लंबा पास्ट होने वाला है, हजारों सालों का। ट्रेलर में हमें इस चीज का एक हिंट दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली मूवी इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेगी उन तीनों ट्राइब्स की लोर को। तो वो एक चीज है जो बहुत ज्यादा अलग कर देती है उग्रम और सालार को। तो मेरे ख्याल से सालार को उग्रम की कॉपी कहना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, एंड इतना जल्दी उसको जज करना किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। सो मूवी का वेट करना ज्यादा सही होगा। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग पता चला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।